सीएससी वीएलई को मिलेगी सैलरी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी अपने कॉमन सर्विस सेंटर से सैलरी हर महीने पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा, पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा ताकि आप इन बातों को समझ सको। चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आप हमारे जिस भी वीडियो को देखते हैं उसे कम से कम एक लाइक कर दिया करिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें काफी मोटिव मिलती है और उस लाइक की बदौलत हम काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना पाते हैं, काफी जेन्युइन वीडियो आपके लिए बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को जो भी वीडियो को देखते हैं उसे कम से कम एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपका कोई भी पैसा नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो हर वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कंजूसी मत दिखाइए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और नए मेंबर से अनुरोध करते हैं, अगर चैनल पर नए हैं हो सके तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि मैं जो भी वीडियो दूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी और आप हमारे वीडियोस को रोजाना देख पाओगे। तो दोस्तों, कॉमन सर्विस सेंटर किस प्रकार से माह महीने का कमा सकते हैं, यानी कि दोस्तों थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा, कॉमन सर्विस सेंटर शिफ्टिंग इन पंचायत, जिसको लेकर हमें बहुत सारे कमेंट भी ले आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, या यूं कह लीजिए कुछ महीने से हमें कमेंट आ रहे थे कि सर हम अपने कॉमन सर्विस सेंटर को पंचायत में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपने कॉमन सर्विस सेंटर को पंचायत में किस प्रकार से शिफ्ट कर पाओगे, क्या प्रोसेस होने वाला है। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना है सरकारीयोजना.com की वेबसाइट पे, और सरकारीयोजना.com की वेबसाइट पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेगा कॉमन सर्विस सेंटर शिफ्टिंग इन पंचायत भवन सीएससी लेटेस्ट न्यूज फॉर सेंटर्स। इसका जो लिंक है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको फॉलो करके आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे आपको पूरी बातें दिखाई गई है। कॉमन सर्विस सेंटर शिफ्टिंग सीएससी का सबसे बड़ा अपडेट, आप भी कर सकते हैं अपने कॉमन सर्विस सेंटर पंचायत भवन में शिफ्ट, यह है पूरा स्टेप यहाँ पे बताया गया है। सीएससी के नए दिशा निर्देश के साथ जो कोई वीएलई अपने सीएससी सेंटर को पंचायत में शिफ्ट करना चाहता है इस माध्यम से कर सकता है, कॉमन सर्विस सेंटर शिफ्टिंग इन पंचायत भवन फॉर्म। तो यहाँ पे फॉर्म का लिंक दिया गया है, यहाँ नीचे आप लोगों को एक फॉर्म दिया गया है जिसको फिल करके आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास सबमिट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ये जो फॉर्म आपको दिया गया है इसको आपको फिल कर लेना है, ये वीएलई कंसेंट शिफ्टिंग फॉर्म है, इसको आप सिंपली फिल करेंगे और फिल करके आप अपने एरिया के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को देंगे, वो आपको शिफ्ट करवा देंगे पंचायत भवन में। यहाँ पे दोस्तों आपको नाम, आपका पिताजी का नाम, सीएससी आईडी, यहाँ पे बिजनेस का आपका जो भी सीएससी सेंटर का नाम है वो डालना है, यहाँ पे आपको अपना विलेज डालना है, ब्लॉक डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, यहाँ पे आपको जो बिहार है इसको आपको चेंज करना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है सॉरी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ पे डालना होगा। इसको आप एडिट कर सकते हैं फोटोशॉप वगैरह की मदद से। जब आप कॉमन सर्विस सेंटर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को दोगे तो वहां पे वो अपना सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे वीएलई आईडी लिखाएगी, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर लिखाएगा, यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उनका नाम लिखाएगा, मोबाइल नंबर लिखाएगा। तो ये फॉर्म है, ये फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली सरकारीयोजना.com पे आकर, यहाँ पे यू कैन डाउनलोड शिफ्टिंग फॉर्म फ्रॉम हियर, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बात बता देते हैं आप लोगों को, शिफ्ट होने का क्या क्या लाभ मिल सकता है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या है लाभ कॉमन सर्विस सेंटर को पंचायत भवन में शिफ्ट करने का। सीएससी हर ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है और इसे चलाने वाले वीएलई की संख्या लगभग 3 लाख से भी ज्यादा है। सीएससी के दिशा निर्देश के अनुसार हर एक पंचायत भवन में उसी पंचायत में चल रहे कॉमन सर्विस सेंटर से कोई एक सेंटर वहां चलाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों, आपके पंचायत में जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर चल रहे हैं उनमें से किसी एक सेंटर को यहाँ पे चलाने का मौका मिल सकता है, पंचायत भवन जो है आपका उसमें चलाने का मौका मिल सकता है, और उनको जो है 3500 प्रति माह सैलरी सीएससी जीओबी की तरफ से दिया जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात है, इसके साथ साथ और भी बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, उसके बारे में बात करते हैं। वीएलई का लाभ यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अतिरिक्त 3500 प्रति माह सैलरी, पंचायत भवन में रहने का कोई किराया नहीं, बिजली मुफ्त, इंटरनेट और अन्य सभी सरकारी सेवाएं मुहैया कराई जाएगी। यानी कि दोस्तों, बहुत सारे पंचायत भवन में फ्री इंटरनेट कनेक्शन लगी रहती है, हमारे इधर जो पंचायत भवन है उसमें गीगा फाइबर लगा हुआ है, यानी कि दोस्तों पंचायत भवन में फ्री गीगा फाइबर लगा हुआ है जिसकी स्पीड आप जान सकते हैं, तो फ्री इंटरनेट कनेक्शन आपको मिलने वाली है। पंचायत भवन में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी होती है,
तो वहां भी आपको मिल जाएगा, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, और आपको पंचायत भवन में रहने का कोई किराया भी नहीं लगेगा। अगर आप कहीं पे अपना शॉप लेकर काम करते हैं तो वहां पे आपको किराया भी देना पड़ता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको 3500 प्रति माह सैलरी, कोई किराया नहीं, ना ही कोई बिजली का बिल, ना ही इंटरनेट का खर्च, ये सब आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो टोटल का टोटल आपको लाभ ही है, टोटल का टोटल आपको बेनिफिट है। और साथ ही साथ दोस्तों पंचायत में आप काम करोगे तो जितने भी कस्टमर है डायरेक्ट आपके ही पास आएंगे, तो पूरी तरह से आपकी बेनिफिट चारों ओर से है, और आप पूरी तरह से ऑथोराइज वीएलई माने जाओगे। यहाँ पे कौन वीएलई कर सकता है? कॉमन सर्विस सेंटर, एनएसडीएल की ऑफिशियल पैन कार्ड की एजेंसी, अब आप भी ले सकते हैं। यहाँ से आपको पैन नंबर मिलेगा 3 दिन में, और पैन कार्ड बहुत ही आसानी से बहुत फास्ट आप बना सकते हैं। तो एजेंसी लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस एजेंसी की जो कीमत आएगी आपको 2000 रुपए की आएगी, के को पंचायत भवन में से। तो यहाँ पे दोस्तों जो वीएलई सीएससी की हर सेवा को सुचारू रूप से यूज करता है, यूज करता आ रहा है, वही इनके तहत अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और यहाँ पे आप आकर पूरी न्यूज को पढ़ लीजिए, पूरी जानकारी को पढ़ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों अगर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर नहीं पता है, जो ये जो फॉर्म आपको सबमिट करना है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास ही करना है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर अगर आपको नहीं पता है किसी पर्टिकुलरली स्टेट के हो, तो यहाँ पे आप आकर वो भी जान सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑल इंडिया लिस्ट डाउनलोड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल दिया गया है, यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है, इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिस्ट को देख पाओगे। आप भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से क्यों ना हो, आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को सिंपली दोस्तों आप क्लिक करोगे, यहाँ पे नए टैब में ये ओपन हो जाएगा, इसको सिंपली सेव भी कर पाओगे। सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ, सेव करोगे ये एक्सेल में कुछ इस प्रकार से डाउनलोड होगा। यहाँ पे पूरे भारत में जितने भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है सबका नंबर दिया गया है, तो सिंपली आप सरकारीयोजना.com पे आकर उनकी भी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये एक्सेल में ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का नाम, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं आसाम, आसाम, बिहार, बिहार, झारखंड, सब जगह का है, टोटल डिस्ट्रिक्ट का, वेस्ट बंगाल वगैरह सबका है। तो दोस्तों यही प्रोसेस था जिसकी बदौलत आप अच्छी खासी कमाई कर पाओगे, 3500 पर मंथ सैलरी कमा पाओगे, और भी आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों आप हमें बताइए आपको ये न्यूज कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी। सरकारीयोजना.com का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप यहां तक पहुंच जाएंगे। वैसे आप लिंक को भी देख लीजिए, ये आप टाइप करोगे तो भी आप पहुंच जाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।